अभिप्रेरणा का दूसरा सिद्धांत है, आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत या आवश्यकता का सिद्धांत या अभिप्रेरणा की मांग का सिद्धांत। यह सिद्धांत अब्राहम मैस्लो द्वारा सन 1954 में दिया गया है। मैस्लो के सिद्धांत का मुख्य भाग अभिप्रेरणा सिद्धांत ही है। मैस्लो का विचार है कि व्यक्ति में व्यक्तिगत लक्ष्य तक पहुंचने की प्रवृत्ति पाई जाती है। इसी प्रवृत्ति से उसका व्यवहार निर्देशित होता है। मैस्लो के सिद्धांत में व्यक्तित्व की व्याख्या अभिप्रेरणात्मक प्रक्रियाओं के आधार पर की गई है। उसका यह मत है कि मानव अभिप्रेरक न केवल जन्मजात होते हैं, बल्कि इन प्रेरकों को प्राथमिकता के आधार पर शक्ति या शक्ति के आधार पर आरोही पदानुक्रम में व्यवस्थित किया जा सकता है। उसने मानव अभिप्रेरकों को प्राथमिक आधार पर निम्न प्रकार से आरोही क्रम में व्यवस्थित किया है। इनका जो आरोही क्रम है वो नीचे से ऊपर की ओर चलता है। मैस्लो द्वारा प्रतिपादित आवश्यकता का पदानुक्रम मॉडल ये चित्र के माध्यम से हमें दिखाई दे रहा है। व्यक्ति की जो प्राथमिक आवश्यकताएं होती है वे होती शारीरिक आवश्यकताएं, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, पानी, काम या सेक्स संबंधी। जब ये इनकी पूर्ति हो जाती है तो वो उससे उच्च के बारे में सोचता है, अर्थात वो दूसरी स्टेप्स में जाता है जिसको कहते हैं सुरक्षा की आवश्यकता है। अब उससे क्या होता है, रोटी, कपड़ा, मकान, पानी, इन सब की व्यवस्था हो गई तो अब उसको सुरक्षा की चिंता होती है। सुरक्षा के रूप में उसको घर वर बनाता है ये सब। जब सुरक्षा और रोटी, कपड़ा, मकान की हो जाती है तो ये निम्न स्तर की आवश्यकताएं कहलाती है। जब निम्न स्तर की आवश्यकताएं पूरी हो जाती है तो उच्च स्तर की आवश्यकताओं के बारे में सोचता है, अर्थात अब उसे इसने वह संबद्धता की आवश्यकता लगती है, इसने प्यार आदि की आवश्यकता लगती है। इससे और ऊपर जाता है तो उससे सम्मान की आवश्यकताएं भी लगती है कि अब वो समाज में अगर रह रहा है तो उसे समाज में क्या मिले, सम्मान मिले। जब सम्मान भी प्राप्त होने लग जाता है तो वो और ज्यादा आगे के बारे में सोचता है और कहता है अब मुझे आत्मसिद्धि की आवश्यकता है, अर्थात मैंने जो कुछ भी सोचा था वो मैंने कर लिया, जो मैंने चाहा वही बना, आत्मा का मिलन परमात्मा से हो गया, यहां आकर उसकी आवश्यकताएं उच्च स्तरीय बन जाती है। इसने सम्मान और आत्मसिद्धि ये उच्च स्तर की आवश्यकताएं कहलाती है। अगर हम इसे इस प्रकार भी समझें कि पांच प्रकार की मूल आवश्यकताएं होती जिसे दो भागों में बांटा जा सकता है, पहला है निचले स्तर की आवश्यकताएं और दूसरा है उच्च स्तरीय आवश्यकताएं। निचले स्तर की आवश्यकताओं में देही व सुरक्षा संबंधी आती है और उच्च स्तरीय आवश्यकताओं में संबद्धता, स्नेह, सम्मान और आत्मसिद्धि वाली आती है। ये हमारी सभी मूल आवश्यकताएं कहलाती है। देही की आवश्यकताओं में हम रोटी, कपड़ा, मकान, भूख, प्यास ये पूरी करने के बारे में सोचते हैं और जब ये पूरी हो जाती है तो हम उच्च आवश्यकताओं के बारे में सोचने लग जाते हैं या उच्च आवश्यकताएं उत्पन्न होना प्रारंभ हो जाती है। सुरक्षा, घर में सुरक्षित रहने का अनुभव, जीवित रहने के लिए ये आवश्यक है। इससे ऊपर हम जाते हैं तो स्नेह, सम्बद्धता, समाज में स्नेह, मित्र बनाना, मान्यता मिलना आदि की प्रकार की। इससे ऊपर हम जाते हैं तो सम्मान न मिले तो व्यक्ति में हीन भावना जागृत हो जाती है, यहाँ वो नेतृत्व तो करना चाहता है। इससे ऊपर चलते तो आत्मसिद्धि, जो चाहा वही बनना, यहाँ आत्मा का मिलन परमात्मा से हो जाता है। इस प्रकार ये हमारी प्राथमिक या मूल आवश्यकता होती है जो हमें प्रेरणा के लिए प्रोत्साहित करती है। मैस्लो ने ऊपर वर्णित पांचों प्रकार की आवश्यकताओं को मूल आवश्यकताएं या बेसिक नीड्स कहा है।
जिनमें उच्च स्तर की जो आवश्यकताएं हैं वे इस प्रकार की आवश्यकताओं के अंतर्गत संबद्धता और स्नेह की आवश्यकता, सम्मान की आवश्यकताएं, आत्मसिद्धि की आवश्यकताओं को रखा है। उसने यह भी कहा है कि पदानुक्रम में जो आवश्यकताएं नीचे हैं उनकी आवश्यकता उतनी ही अधिक। इस प्रकार से सबसे अधिक शक्तिशाली देहिक या शारीरिक आवश्यकता है। इसकी प्रबलता इतनी अधिक हो सकती है कि इसकी तात्कालिक संतुष्टि अनिवार्य हो जाती है। इसी प्रकार जो आवश्यकताएं सबसे ऊपर है वह सबसे कम शक्ति या सबसे कम प्रबलता की होती है। जैसे आत्मसिद्धि की आवश्यकता इस पदानुक्रम में सबसे ऊपर है, जो सबसे कम शक्तिशाली होती है। अर्थात आत्मसिद्धि की जो आवश्यकता होती है वो कम शक्तिशाली होती है, जबकि शारीरिक की जो आवश्यकता होती है वो सबसे शक्तिशाली होती है। इसके अलावा भी मैस्लो महोदय ने चार अन्य प्रकार की आवश्यकताएं बताई है, वे इस प्रकार है। पहली इन्होंने बताया है संज्ञानात्मक आवश्यकताएं। संज्ञानात्मक आवश्यकताओं का अर्थ उन आवश्यकताओं से है जो सूचनात्मक आवश्यकताएं होती है। मैस्लो के अनुसार इस श्रेणी में जानने की आवश्यकता और समझने की आवश्यकताओं को रखा जाता है। यह जानने की आवश्यकता और समझने की आवश्यकता का अपना पदानुक्रम होता है, जिसमें पहले पदानुक्रम पर जानने की आवश्यकता और अगले पदानुक्रम पर समझने की आवश्यकता होती है। अतः यह कहा जा सकता है कि जानने की आवश्यकताओं की प्रबलता अधिक होती है और समझने की आवश्यकताओं की प्रबलता कम होती है। दूसरा है मन स्थापी आवश्यकता है। यह आवश्यकता तंत्रिकापाती आवश्यकताएं भी कहलाती है। इन आवश्यकताओं से व्यक्ति के मन में निष्क्रियता आदि उत्पन्न होती है। यह आवश्यकता व्यक्ति में तब उत्पन्न होती है जब व्यक्ति की मूल आवश्यकताओं की संतुष्टि नहीं होती है। मैस्लो के अनुसार जब व्यक्ति की संबद्धता और स्नेह की आवश्यकता की संतुष्टि नहीं होती है हो पाती है, तब इस व्यक्ति में आक्रामकता और विद्वेष की आवश्यकता या व्यवहार उत्पन्न होता है। तीसरी न्यूनता अभिप्रेरणा। मैस्लो ने इस अभिप्रेरणा को डी अभिप्रेरणा का नाम दिया है। वह यह अभिप्रेरणा है जिसमें हीन अवस्थाओं या न्यून अवस्थाओं को दूर करने के लिए व्यक्ति अभिप्रेरित होता है। उदाहरण के लिए ठंडक, भूख और असुरक्षा से जो तनाव उत्पन्न होता है उसे दूर करने में व्यक्ति को प्रेरणा मिलती है। चौथी वर्धन अभिप्रेरणा। यह आवश्यकताएं अपेक्षाकृत उच्च स्तरीय आवश्यकताएं पर यह अभिप्रेरणाएं है जिसमें व्यक्ति अपनी अंत क्षमताओं को पहचानता ही नहीं है बल्कि अपनी अंत क्षमताओं को विकसित करने के लिए प्रेरित भी होता है। मैस्लो ने वर्धन अभिप्रेरणाओं को मेटा आवश्यकताओं या अस्तित्ववादी प्रेरणाओं का के नाम से संबोधित किया है।